मोमेंटो हमने पास वगैरह जितने चीज मिले थे सब हमने गंगा माँ के गोद में प्रभावित कर दी। वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप स्पेशल कैटेगरी में सम्मानित होंगी मोदी जी के द्वारा। मैं खाली उसको लगेगा मैं मार्केट से खरीद के लाकर रख दी हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा मोमेंटो और ऐसा हमें सम्मान नहीं चाहिए। मेरा नाम है आई एम सलमान ट्रांसजेंडर वाराणसी ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोशल वर्कर। आज किस लिए यहाँ पर गंगा के पास आई? आज माँ गंगा की धारा में आए हैं और माँ गंगा के पावन धारा में किनारे हम लोग आए और हमने मोमेंटो और हमने ये पास ये टी शर्ट और सांसा संस्कृति का जो साझा मंच था उसको आज हम लोग मोमेंटो इसको आज हम लोग विसर्जित करने आए थे। देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री और इस जनपद के माननीय दामोदर दास मोदी जी यहाँ के सांसद हैं और उन्होंने मेल फीमेल को सारे लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने हाथों से सभी को सम्मान दिया। सभी बच्चों का परफॉर्मेंस हुआ, सब बच्चों को समय दिया गया, मगर हमारे ट्रांसजेंडर ने भी इस फॉर्म को भरा था और हमारे ट्रांसजेंडरों ने भी हिस्सा लिया था उसमें। ना ही ट्रांसजेंडरों का नाम लिया गया, ना ही ट्रांसजेंडर को संबोधित किया गया, ना ही उनको माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को उनके हाथों से मोमेंटो भेंट कराया गया, कुछ नहीं कराया गया। इसी कारण को लेकर हमारा किन्नर समाज बहुत दुखी है, हमारी निहारिका किन्नर बहुत दुखी हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा मोमेंटो और ऐसा हमें सम्मान नहीं चाहिए जो प्रधानमंत्री हमें अपने हाथ से न दे सके, वो ऐसा मेरे काम का नहीं है। हम उसको गंगा में प्रभावित करने के लिए माँ गंगा की धारा प्रभावित करने के लिए आए थे और हमने मोमेंटो हमने पास वगैरह जितने चीज़ मिले थे सब हमने गंगा माँ के गोद में प्रभावित कर दिया। मैं निहार का ट्रांसजेंडर, मैं अपनी सलमा गुरु के नेतृत्व में पार्टिसिपेट करने गई थी। ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे आदर्श हैं और ये हमारे ट्रांसजेंडरों के लिए अपने उनके हक के लिए आवाज़ उठाती हैं और उनको शिक्षित करने के लिए भी प्रेरित करती हैं कि वो हर फील्ड में ना कि वो पुरानी प्रथा में जाएं, जिसको जाना है वो उसकी वो है, लेकिन वो शिक्षित रहे और बढ़ चढ़ के हर एक चीज़ों में जैसे अन्य के कॉलम आते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़े। मोदी जी के भी इस कार्यक्रम में अन्य का कॉलम आया था, गुरु के प्रेरित करने पर मैं गई उसमें, अपने 44 एज में मैंने पार्टिसिपेट किया फोक डांस में। मैं कथक डांसर हूँ लेकिन मैंने फोक नृत्य में यानी लोक नृत्य में मैंने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट आपका ये हनुमान पौधार में हुआ था, उसमें भी मैंने प्रथम आई अपने एज ग्रुप में। फिर सेकंड में मैं गई वहाँ पे आपका गिरजा देवी सांस्कृत संकुल में, वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप स्पेशल कैटेगरी में सम्मानित होंगी मोदी जी के द्वारा और मुझे वो जैसे जो मैंने प्रोवाइड किया मोमेंटो स्मृति चिन्ह मुझे वहाँ पे दिया गया। मैंने पूछा प्रशस्ति पत्र मेरा कहाँ है तो बोले कि आपको मोदी जी 23 तारीख को रुद्राक्ष में देंगे। 23 तारीख को मैं गई वहाँ पे, वहाँ पुरुष का कार्यक्रम हो रहा था, महिला कार्यक्रम कर रही थी लेकिन हमारे ट्रांसजेंडर जो अन्य में आते हैं वहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेले थी, मेरा एक कार्यक्रम नहीं हो सकता था वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे दो जगह पे की, चलो कार्यक्रम नहीं किया, एक प्रशस्ति पत्र अपने हाथ से दे सकते थे कि नहीं, मैं अकेले थी पूरी बनारस में गए जाने वाली। दुखद है और ये एक मतलब ये है कि किसी को मतलब एक बोल करके किसी को इनवाइट करना अपने घर पे, जैसे होता है ना कि किसी को बुलाना और उसके बाद उसको मतलब एक बेइज्जती करके ही हटाना कि मतलब आपको सब दिख रहा और एक ट्रांस मतलब बोलते हो कि आप अर्धनारेश्वर के रूप होते हैं और ये हमारे तन से पैदा हुए, जो भी बोलते हो खाली मीडिया में बोलने से नहीं होता है, जब आपने खुद दिखा दिया वहाँ पे कि हम लोग क्या हैं। नहीं मुझे नहीं काम का चीज़ था, क्योंकि काम का वो होता है जब एक मिले सबके बराबर। अब वो काम का क्या मैं अपने कहाँ रखूँगी, ना उसमें मेरा नेम मेंशन है, ना उस पर किसके द्वारा दिया गया वो मेंशन है, ना मैं क्या आई वो मेंशन है, तो मैं खाली उसको लगेगा मैं मार्केट से खरीद के लाकर रख दी हूँ, यही ना लगेगा भैया। मैं क्या करूँगी उसको क्या करूँगी भविष्य में। और मेरे गुरु के आशीर्वाद से मेरे पास बहुत सारे शील्ड हैं, मैं घमंड नहीं कर रही हूँ अपने कलाकारी का, लेकिन ये गलत है कि जब सबको बराबर से दिया गया तो मुझे भी देना चाहिए था। क्यों अन्य का कॉलम आया वहाँ पे, या अन्य का कॉलम आप बंद करो। हम लोग क्या वोट नहीं देते सरकार को? मैं वोट नहीं देती हूँ सरकार को।